क्लास सिक्स में देखो बच्चों, सब्जेक्ट मैथ में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। 6.2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलेंगे। यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको इनका एडिंग करना है। एडिंग हो तो एडिंग, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। जैसे कल वाला जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मोर एंड लेस दो टू वर्ड्स आ रहे थे, एक तो आ रहा था मोर और एक आ रहा था लेस। मोर के लिए तो हम क्या चल रहे थे, लेफ्ट यानी कि राइट साइड, और जब लेस आता था तो किधर चल रहे थे हम, लेफ्ट साइड। अब उसी टाइप से ये क्वेश्चन है सेकंड आपके, यूज नंबर लाइन 6.2 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। यूज नंबर लाइन, यूज नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज करते हुए एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स, फॉलोइंग इंटीजर्स, फॉलोइंग इंटीजर्स, यूज नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। एडिंग करना है किससे, नंबर लाइन से। हाँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए, 9 प्लस माइनस 6, प्लस करना है किसको, माइनस 6 को। जो माइनस आता है इसमें, तो माइनस आता है हम नंबर लाइन यूज करेंगे। पहले तो पोजीशन देखेंगे 9 की, यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 और 9, और इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8। आगे तक हम और बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे और ले सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन का है प्लस 9, प्लस 9, तो प्लस 9 हम यहाँ है, ये हमारी प्रेजेंट पोजीशन है प्लस 9। फिर आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, माइनस 6। तो देखो माइनस जब यूज हो रहा है साइन, तो आपको किधर आना है, लेफ्ट साइड। माइनस साइन आएगा तो किधर आना है आपको, लेफ्ट साइड, ये आपको याद रखना है। माइनस साइन आएगा तो कौन सी साइड, यानी कौन सी डायरेक्शन हम चलेंगे, यानी लेफ्ट डायरेक्शन। और आगे प्लस, यदि साइन आता है इसके अंदर प्लस और आता है आगे, तो आपको किधर चलना है, राइट साइड, इस नंबर लाइन पे। दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जब माइनस साइन आएगा तो लेफ्ट साइड चलेंगे, प्लस साइन आएगा तो हम चलेंगे राइट साइड। प्लस साइन है तो राइट साइड, माइनस आएगा तो लेफ्ट साइड। फिलहाल माइनस 6 है तो इधर के किधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इसमें से माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी कौन सी साइड हम, यानी किस डायरेक्शन में हम आए हैं यहाँ, यानी कि हम चले लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 3। तो यहां से इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 9 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 3। नंबर लाइन के यूज से हमने इसका सॉल्यूशन किया इस प्रकार से, यानी कि हमारी प्रेजेंट पोजीशन कहां थी, 9 पे थी। फिर ये माइनस 6 का यूज हुआ है तो हम कौन सी डायरेक्शन में चले, यहां यानी हम चले इसमें लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड चलते हुए हम पहुंच गए प्लस 3 पे। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस 5। नेक्स्ट देखो प्लस 5 बी नंबर, क्वेश्चन नंबर बी है प्लस 5 प्लस माइनस 11, माइनस 11। इस साइन का यूज नहीं करेंगे, यानी प्लस का 5 है, प्लस इसकी पोजीशन आप राइट करो प्लस 5 की। इस प्रकार से नंबर लाइन लिए 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। और आपको ये जो, यानी देखो जो लाइन है इसको स्केल से राइट करनी है, बाई स्केल, विथ स्केल, माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 तक हम यहाँ राइट कर लेते हैं, और इधर इधर भी आगे और ले सकते हैं 8 9 10 11 12, इन्फिनेटिव बहुत से हम यहाँ ले सकते। फिलहाल प्रेजेंट पोजिशन का है हमारी प्लस 5, ये हमारी पोजीशन। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, माइनस 11, तो माइनस साइन यूज हुआ है
माइनस साइन यू जो है तो हम किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड। कौन सी साइड चलना है 5 से, लेफ्ट साइड। यदि प्लस साइन आता है तो कौन सी साइड हम यूज लेते, राइट साइड। ये राइट साइड आगे चलेंगे और ये लेफ्ट साइड। तो माइनस साइन यूज हुआ है तो किस साइड चलेंगे हम, लेफ्ट साइड। और कितना चलना है लेफ्ट साइड, माइनस 11। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी -1, 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
9, 10, 11, और हम कहां पहुंच जाएंगे, माइनस सिक्स। हमारी पोजीशन कहां आएगी अब, माइनस सिक्स पे, माइनस सिक्स पे हमारी पोजीशन आ जाएगी, यानी प्लस फाइव प्लस माइनस इलेवन इक्वल टू माइनस सिक्स। तो हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएंगे, माइनस सिक्स आएंगे। तो इस प्रकार से बोलिए आपको साइन पे ध्यान देना है कि साइन यदि प्लस में है तो आपको राइट साइड आगे चलना है, और साइन यदि माइनस में है आपके पास, साइन माइनस में है तो हमारे को यहाँ लेफ्ट साइड आगे चलना है। इन दो बातों का स्पेशल ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी वाला, सी क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन सी, माइनस वन प्लस माइनस सेवन, माइनस वन प्लस माइनस सेवन। इसमें देखो पोजीशन सेट करेंगे, यानी जीरो माइनस वन, यानी दोनों ही माइनस में है, तो माइनस के टर्म्स हम यहाँ ज्यादा लेंगे, जो लाइन है उस पर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन एंड माइनस ट्वेल्व, और इधर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स। प्रेजेंट पोजीशन हमारी क्या है, माइनस वन। कहाँ है प्रेजेंट पोजीशन हमारी, यहाँ माइनस वन में, तो माइनस वन यहाँ है, ये हमारी पोजीशन आ गई। यहाँ पे राइट कर देता हूँ, या प्लस का साइन बढ़ा दो, कोई भी आप इंडिकेटर यहाँ ले सकते हो, प्लस माइनस जो भी साइन आप यूज करना चाहो, चाहे क्रॉस या यूज कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट आपको देखो माइनस सेवन, माइनस सेवन है तो हमारे को यह कौन सी साइड आगे चलना पड़ेगा इसके अंदर, आपको लेफ्ट साइड। माइनस सेवन है तो कौन सी साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड। माइनस यूज हुआ है, माइनस मीन्स लेफ्ट, यदि यहाँ पे प्लस सेवन रहता तो आपको कौन सी साइड आगे बढ़ना पड़ता, राइट साइड। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस आता है तो राइट, माइनस आता है तो लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब इस साइड में चलना, और कितना चलना है, सेवन तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तुम्हारी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो कहाँ जाएगी, अब माइनस एट पे। पहले कहा थी प्रीवियस पोजीशन हमारी माइनस वन पे थी, तो हमने माइनस सेवन और इसमें ऐड किया तो कहाँ आ गए, माइनस एट पे। तो माइनस वन प्लस माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस एट, हमारी पोजीशन कहाँ आ जाएगी, माइनस एट पे। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी, डी वाला इसमें क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, माइनस फाइव प्लस टेन, यानी आपकी पोजीशन इस बार कहां है, माइनस फाइव पे, और प्लस साइन यूज हो रहा है इसके अंदर। नंबर लाइन यूज करेंगे, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, पोजीशन माइनस फाइव पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये हमने राइट कर लिया, ये नंबर लाइन हमने मेकिंग कर ली इसके अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस फाइव की पोजीशन पहले शो करो, पहले हम कौन सी शो करेंगे, माइनस फाइव की पोजीशन। तो माइनस फाइव यहाँ है प्रेजेंट पोजीशन हमारी, ये रही।
अब आगे क्या आ रहा है, प्लस टेन आ रहा है, प्लस टेन है तो कौन सी साइड आगे जाएंगे, राइट साइड, राइट साइड आपको चलना है, यानी प्लस का साइन यूज हुआ है तो कौन सी साइड आगे चलेंगे, राइट साइड, तो राइट साइड आपको चलना है। प्लस वन, प्लस टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, यानी प्लस का यूज करेंगे राइट साइड चलेंगे तो प्लस का यूज करेंगे, और जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस के साइन का यूज करते हुए चलेंगे। प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, 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 टोटल सम अप करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो हमारी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो कहाँ जाएगी, प्लस फाइव। प्रीवियस पोजीशन है माइनस फाइव पे, प्लस टेन इसमें ऑलरेडी कर दिया, तो हमारी पोजीशन प्रेजेंट पोजीशन कहाँ गई है, प्लस फाइव पे, तो माइनस फाइव प्लस टेन इक्वल टू प्लस फाइव, ये हमारी इसमें पोजीशन आ गई। अब आप इनको शॉर्ट में भी कर सकते हो कि 10 में से 5 को लेस कर दो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, प्लस का, प्लस के 10 है माइनस के 5 है, तो 10 में से 5 को लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। अब देखो ई वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है ई और एफ वाला, फिर आपको सेल्फ करते हुए चलना है। एफ तक इसमें क्वेश्चन टोटल ई क्वेश्चन है माइनस वन, माइनस टू, फिर माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री। अब यहां ट्रिपल डिजिट है तो फर्स्ट जो डिजिट है उससे हम जो हमारी पोजीशन है उसको सेट करेंगे, पोजीशन है उसको सेट करेंगे कि हम किस पोजीशन पर है। यहां पर नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब नेक्स्ट देखो, पहले तो अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको सेट करो, माइनस वन पे है। अब देखो पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के टू, तो माइनस का साइन यूज हुआ है तो कौन से साइड चलेंगे अब, यहाँ से लेफ्ट साइड, माइनस साइन यूज हुआ है माइनस टू, यानी माइनस टू है तो यानी कि आपको कितना चल रहा है, टू स्टेप लेफ्ट साइड, टू स्टेप्स लेफ्ट साइड, फर्स्ट माइनस वन एंड सेकेंड पोजिशन हमारी आ गई है, ये सेकेंड, फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, पी वन ले लेते हैं सेकेंड पोजिशन को। फिर नेक्स्ट आपको अगेन माइनस थ्री हो रहा है, अगेन क्या आ रहा है, माइनस थ्री, इधर चले थे लेफ्ट और माइनस थ्री और आ गया आपके पास, इस पोजिशन से हम कहाँ पहुंच गए, माइनस थ्री पे, और नेक्स्ट आपके पास अगेन क्या आ रहा है, माइनस थ्री, तो माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस में आ गया तो लेफ्ट साइड और हम आगे बढ़ेंगे, तो जो प्रेजेंट पोजीशन है वो कहां आ गई आपकी, सिक्स में, यहां हम पी डॉट ले सकते हैं, तो हमारी फिलहाल जो पोजीशन है वो कहां आ गई, पी। एक बार और देख सकते हो, जो पोजीशन थी वो कहां थी, माइनस वन पे, फिर आया माइनस टू आपके पास, क्या आया, माइनस टू, तो हम कितने स्टेप चले, टू स्टेप, और किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड, वन और टू, तो कहां हम पहुंच गए, माइनस थ्री पे, फिर अगेन माइनस थ्री से कितनी स्टेप चलनी है, माइनस थ्री, वन टू और थ्री, तो कहां आ गए, माइनस सिक्स पे, तो हमारा जो टोटल इसका रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स, माइनस वन, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री इक्वल टू आंसर में क्या आएगा, माइनस सिक्स, यानी ऑल जो इनके साइन देखो इक्वल है तो सभी का सम ऑफ कर देंगे, थ्री टू फाइव, फाइव और वन, माइनस सिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट इसका, लास्ट क्वेश्चन है एफ वाला, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन एफ, एफ है माइनस टू, प्लस एट एंड माइनस फोर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, माइनस टू प्लस एट माइनस फोर, तो नंबर लाइन हम सेट करते हैं, ये जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये माइनस में साइन लेफ्ट साइड, राइट साइड प्लस में साइन। अब फिलहाल जो पोजीशन वो क्या है, माइनस टू पे,
फर्स्ट पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन हमारी कहाँ है, पी डॉट मीन इनिशियल पोजीशन। अब यहां पर आ रहा है प्लस एट, फर्स्ट में क्या आ रहा है प्लस एट, तो आपको एट स्टेप की तरफ चलना है, लेफ्ट में या राइट में प्लस आता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा राइट में। तो आपको कौन सी जो डायरेक्शन में चलना है राइट साइड, तो राइट साइड चलो प्लस एट स्टेप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और कहां पहुंच जाएंगे हम प्लस सिक्स पे। फर्स्ट पोजीशन आ गई हमारी, प्लस एट है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन 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 एंड वन, ये हमने राइट कर दिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। कहने का मतलब क्या आ गया, फर्स्ट स्टेप माइनस टू प्लस एट इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया सिक्स आ गया, इसके फर्स्ट स्टेप आ गई हमारे पास ये प्लस सिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपको किधर चलना है, माइनस फोर, माइनस फोर मीन्स क्या आ गया आपको अगेन यानी कि किस साइड में आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, कौन सी साइड चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में आपको चलना है। तो लेफ्ट साइड देखो किधर है, यानी प्लस सिक्स, सेकेंड स्टेप में प्लस सिक्स, प्लस सिक्स से किधर चलना है माइनस फोर, यानी लेफ्ट साइड में माइनस वन, अगेन इधर वन टू थ्री और फोर, कितनी स्टेप चले हम फोर स्टेप, फोर स्टेप। तो हम कौन सी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, टू पर। एक बार और देख लो, माइनस टू था प्लस एट है, तो हम किधर चले राइट साइड चले एट स्टेप, तो कहां पहुंच गए प्लस सिक्स पे। फिर प्लस सिक्स से हम किधर चलेंगे, माइनस साइन यूज हुआ है, माइनस फोर है, तो हम चलेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कितना चलना है माइनस फोर स्टेप, वन सिक्स से फाइव, वन टू थ्री और फोर। तो हमारी जो प्रेजेंट पोजिशन है लास्ट पोजिशन कहां आ जाएगी प्लस टू पे, तो इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा टू आ जाएगा। और एक साथ राइट करें ऑल स्टेप्स को, प्लस टू माइनस टू प्लस एट माइनस फोर इक्वल टू प्लस टू, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट है। क्वेश्चन में था यूज नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इनको हमने एडिंग किया है। इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएगा। अब थर्ड है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, विदाउट यूजिंग नंबर लाइन की आपको एडिंग करना है इस बार, विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, इस बार नंबर लाइन का यूज नहीं करना है, वैसे ही आपको इनका एडिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एड विदाउट विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, यूजिंग नंबर लाइन यानी एड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, विदाउट नंबर लाइन के आप उनको एड करना है, विदाउट नंबर लाइन। जैसे फर्स्ट ए है इसमें 11 प्लस माइनस 7, 11 प्लस माइनस 7, तो फर्स्ट में हमारे पास देखो कितना है प्लस 11, तो आप प्लस 11 राइट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने आ गए 11। फिर है माइनस 7, इसके बिलो में माइनस 1 राइट करो, सॉरी माइनस 1 7 टाइम, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको आप कट कर लीजिए, प्लस और माइनस कट हो जाए, प्लस माइनस इक्वल टू 0 होता है, प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनको हम कट करते हुए चले, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, 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 प्लस वन नेक्स्ट माइनस वन, प्लस वन माइनस। अब आगे बाद रिमेनिंग कितने आ गए, वन टू थ्री फोर,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे बी नंबर का देखो क्वेश्चन, जब ये मान लो सेम साइन नहीं है, अभी माइनस ही है, माइनस से तो हम कट नहीं करेंगे बल्कि उनको हम एडिंग कर देंगे। ये ध्यान रखना, जैसे माइनस 13 प्लस प्लस 18, देखो डबल प्लस है। अब आप एक और यहां से देख लो, साइन का मल्टीप्लिकेशन, डबल माइनस आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो कन्वर्ट इन प्लस, सेम साइन का जो प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है आपके पास प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस, माइनस एंड प्लस है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलवेज माइनस, और प्लस इंटू माइनस इज कॉल्ड माइनस। तो इन साइन का मल्टीप्लिकेशन है, इनका भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। जैसे प्लस इंटू प्लस सेम साइन है, प्लस इंटू प्लस देखो ब्रैकेट मींस क्या आ गया, मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट से बाहर प्लस है, अंदर प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस कन्वर्ट इन माइनस, ए सॉरी प्लस, माइनस 13 प्लस 18। अब आपको राइट करने माइनस 13, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट है प्लस 18, नेक्स्ट क्या है प्लस 18, प्लस 18, तो प्लस 18 राइट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इनको हम कट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल होते जाएंगे 13, और रिमेनिंग में कितने आ गए 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 5। प्लस 5 प्लस साइन आप यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते, लेकिन माइनस साइन ऑलवेज यूज करना है। जैसे माइनस का साइन है माइनस में आंसर, तो माइनस में आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर है सी, सी वाला आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस 10 प्लस प्लस 19, जो बिफोर क्वेश्चन था बी उसके अकॉर्डिंग। डी वाला ये आपको सॉल्व करना है, डी वाला क्वेश्चन है माइनस 250, माइनस 250 और प्लस 150। अब यहां से आप खुद पता लगा सकते हो कि इनमें से, यानी कि देखो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा दिख रहा है, माइनस 250, तो इसमें से 150 को लेस कर लो। तो इस प्रकार से हम साइन में लिखेंगे माइनस, यानी कि कितने 250, फिर इसमें से प्लस वाले जो 150 उनको कट कर देंगे, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा माइनस 100, माइनस के यार रिमेनिंग रहेंगे कितने 100, क्योंकि हम इतने ज्यादा राइट नहीं कर सकते। ई वाला देखो, ई वाला इसके अंदर माइनस 380 और माइनस में ही है 270, जब इनका सेम साइन आ रहा है, सेम साइन आ रहा है, तब क्या करेंगे हम एडिंग कर लेंगे। तब इनको क्या करना है आपको एडिंग करना है, सेम साइन यदि है आपके पास तो इनका आप एडिंग ले लो, 0 8 प्लस 7 15 3 2 5 4 6 माइनस के 650, ये इसका आंसर आ जाए। सेम साइन है तो एडिंग हम ले लेंगे, जैसे एफ है, एफ वाला है माइनस 217 प्लस माइनस 100, तो यहां से पहले तो इनके साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस को माइनस से इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस कन्वर्ट इन माइनस, तो माइनस 217 प्लस इंटू माइनस कन्वर्ट इन माइनस। अब दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करेंगे हम इनका एडिंग ले लेंगे, माइनस 217 और माइनस 100 इक्वल टू माइनस 370, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करना है माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 इनका करके देखो, सेकंड है प्लस 5 माइनस 2 इसकी वैल्यू फाइंड करो, थर्ड है
माइनस 12 है प्लस 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फोर्थ है माइनस 31 प्लस 30 माइनस 2, इसकी वैल्यू फाइंड करो। फिफ्थ है माइनस 50 माइनस 60 प्लस 100, इसकी इनकी वैल्यू आपको फाइंड करते हुए चलना है। अब देखो इसके आंसर में लिख देता हूँ, लेकिन आप सॉल्यूशन करते हुए आपको देखना है। इसका आएगा 0, इसका आएगा 3, इसका आएगा माइनस 5 और इसका आएगा माइनस 3, या 2 है तो माइनस 3 और इसका आएगा माइनस 10। ये इसके मैंने आंसर यहाँ राइट किए हैं, तो आप देखिए इसको सॉल्यूशन करके देखो कि आपके पास भी ये आंसर आते हैं क्या, ये आंसर आपके पास भी आते हैं क्या, ये आपको सॉल्यूशन करते हुए चलना है। तो आज इसके 6.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट है। जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ इसका। नेक्स्ट वीडियोज में हम लेंगे।